हेलो एंड वेलकम टू 36th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट की, जो कि हर्निएटेड डिस्क और डिस्क बल्ज में सबसे पहले किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट और लजीक्स टेस्ट इसको बोलते हैं। इसमें हम SLR टेस्ट भी इसको बोलते हैं। और ये टेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिसको भी डिस्क बल्ज या बैक की कोई भी प्रॉब्लम होती है, सैटिका होता है, सबसे पहले डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन जो भी है वो यही टेस्ट सबसे पहले करता है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल लॉकडाउन भी चल रहा है और जो पेशेंट्स हैं वो कई बार उनको पता नहीं लगता कि मेरा जो बैक पेन है वो डिस्क की वजह से है या सिंपल मसल स्पाज़म है। तो मैं चाहता हूँ कि आप घर पे ही, इसके लिए सिर्फ आपको एक फैमिली मेंबर चाहिए जो आपका ये इजीली टेस्ट परफॉर्म कर ले जो मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको पता लग जाएगा। और मोस्टली जो हमसे फ़ोन कंसल्टेशन करते हैं, मैं चाहता हूँ वो ये टेस्ट पहले ही करके हमें बता दिया करें कि उनका जो SLR टेस्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, कैसे पता लगता है हमारा डिस्क बल्ज है, सैटिका है, हर्निएटेड डिस्क है, वो कैसे पता लगता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चेक करते हैं अब SLR टेस्ट कैसे देखते हैं। मान लीजिए पेशेंट आपके पास आए या आपके घर में जो पेशेंट है वो कह रहा है कि मुझे बैक पेन हो रही है, और वो बैक पेन डिस्क की वजह से है या नहीं उसको कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो मान लीजिए अफेक्टेड लेग, हमने वैसे ये दोनों लेग से करना होता है। अफेक्टेड लेग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि मेरा जो साइटिका हो रहा है या हमारे जो लेग में पेन जा रहा है वो कौन सी लेग में जा रहा है उसको हम पहले टेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से अब कैसे पता लगेगा, सबसे पहले तो बिल्कुल लूज होनी चाहिए पेशेंट की लेग, उसने कभी भी ऐसा नहीं करना कि बहुत टाइट कर दिया। दूसरा क्या होता है कि जब हम इसको रेज करेंगे, हमने स्ट्रेट लेग रेज करना है और ये पैसिव मूवमेंट होना चाहिए, इसमें पेशेंट का जोर नहीं लगना चाहिए। एक्टिव टेस्ट होता है वो अलग होता है, पर हम इसको पैसिवली कर रहे हैं, ये पैसिव टेस्ट होता है जो SLR टेस्ट होता है, लजीक्स टेस्ट इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमने इस तरह से जो पेशेंट का हिप है उसको हल्का सा मीडियली रोटेट करना है, इसको ऐसे ऐसे करके नहीं करना, यानी कि जो पैर है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, एडक्शन की तरफ होना चाहिए और मीडियली रोटेटेड हिप होना चाहिए। अब पेशेंट को कहना कि वो बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे अपनी लेग को, एक हाथ पे जो एग्जामिनर है उसने एक हाथ को इस तरह से नी के ऊपर रखना है और एक हाथ इस तरह से हील के नीचे रखना है। अब क्या करना है, इसने एग्जामिनर ने धीरे धीरे को इसको लेग को रेज करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अब लेग को जो रेज करना है ये ध्यान रखना है कि जो पैर है ये इस तरफ रहे, यानी कि सीधा एडक्शन की तरफ रहे, सीधा रहे। अब इसमें क्या करना है, इस तरह से अब हमने इसको रेज करते 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 अब जब यहाँ से 30-60 डिग्री जब पेशेंट का पेन आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए उसको, और उसका जो पेन है अब यहाँ पे मैं उठा रहा हूँ, अगर वो कहे पेशेंट के मुझे बैक पेन शुरू हो गया है तो समझ लीजिए इस तरह से उसको जो हमारा डिस्क का पार्ट है वो सेंट्रली निकला हुआ है, सिर्फ सेंटर से निकला है और वो थोड़ा कम है। अगर ज़्यादा होता तो उसको लेग पेन भी होता। तो जो सेंटर से निकला हुआ है, सेंट्रलाइज जो कहते हैं ना, जो डिस्क प्रोलैप्स हुआ है वो सेंट्रल हुआ है या हमारा लेटरल हुआ है, तो इस तरह से वो पता लगता है। अब फिर से देखिए किस तरह से हमने हाथ रखा, अब ध्यान से देखिए इसको कैसे घर पे हमने परफॉर्म करना है आपके कोई भी अगर आपको पेशेंट होता है। तो इस तरह से हमने रेज करते करते बिल्कुल इस तरह से, जैसे यहाँ पे शूटिंग पेन पेशेंट को आ जाएगा, अगर ये 60 डिग्री के अंदर अंदर आ जाता है, ये मान लीजिए ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, अब ये 60 डिग्री तक अगर आ जाता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा। अब सेकंड इसका क्या होता है, यहाँ तक अगर 60 डिग्री तक अगर पेशेंट ने कह दिया मुझे पेन आ गया, 50-60 में अगर पेन आ गया, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाना है। अब नीचे लेके जाके अगर उसके सिम्टम्स रिलीव हो रहे हैं, चाहे वो बैक पेन के हैं चाहे लेग पेन के हैं, अब लेग पेन अगर हो रहा है तो समझ लीजिए जो डिस्क हर्निएटेड डिस्क है वो थोड़ा लेटरल की तरफ हुई हुई है और वो आपकी नर्व को टच कर रही है, जिसकी वजह से आपको नर्व में पेन हो रहा है, सेटिका हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये चेक करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 50-60 डिग्री में जहाँ पे भी पेशेंट को फील हुआ, आपने क्या करना है, उससे उसको थोड़ा सा नीचे ले जाना है या नी को हल्का सा फोल्ड कर देना है। जब नी को हम हल्का सा फोल्ड करेंगे तो उसकी जो लेग में पेन जा रहा है या जो खींच रही है नर्व वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। अब इसमें अगर वो रिलैक्स होती है तो इसका मतलब बिल्कुल हम सही टेस्ट कर रहे हैं और ये सैटिका के ही सिम्टम है, जो कि L4-L5 या L5-S1 पे नर्व प्रेस हो रही है। अब इसके बाद क्या करना है, जो हम सीधा लेग उठा रहे थे उसके बाद हमने क्या करना है, हल्का सा नीचे लाके जब पेशेंट के सिम्टम रिलीफ हो जाते हैं तो हमने क्या करना है, एंकल को डॉर्सिफ्लेक्शन में लेके जाना है। इसको बरगार्ड्स साइन बोलते हैं। जब हम डॉर्सिफ्लेक्शन में इस तरह से लेके जाएंगे, सब मूवमेंट पैसिव है, पेशेंट ने खुद नहीं करना कुछ, ऐसे एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन किया तो इसमें पेशेंट को शूटिंग पेन आएगा, तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो न्यूरल टिश्यू टाइटनेस है, जो सैटिका हो रहा है, वो इसी की वजह से ही हो रहा है। तो जो हर्निएटेड डिस्क है उसको टेस्ट इसी तरह से करना है। अब मान लीजिए कोई बैक पेन कह रहा है या लेग पेन कह रहा है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से पकड़ा उसको,
हल्का हल्का इसके धीरे धीरे उठाना शुरू किया, जहाँ भी पेशेंट ने कह दिया मुझे पेन आ गया है तो वहीं पे रुक जाना, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है इस टेस्ट की, कि अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें मैंने 5 सिम्टम ऐसे बताए हैं जो बिना ही MRI के पता लग जाएगा कि इसको डिस्क बल्ज है। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट की कोई हिस्ट्री ऐसी है या उसको झुकने से काम हुआ है या उसने एकदम से सडन उसको जग लगा है, तो ये चीज़ें हमें और उसकी तरफ ले जाती हैं और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है कि इसको डिस्क बल्ज हो गई होगा। पर ये टेस्ट हमें कंफर्म करवा देता है SLR टेस्ट, क्योंकि अगर मसल स्पाज़म होगा तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, ये हर्निएटेड डिस्क और डिस्क बल्ज की वजह से ही आएगा, वो चाहे सेंट्रल हो चाहे लेटरल प्रोट्रूजन हो एक्सट्रूजन हो, हर एक में आ जाएगा। अब दूसरा क्या होता है, अब इसमें एक और चीज़ ऐड करनी होती है। इस तरह से जब हम कर रहे हैं तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है उसका जो 60 डिग्री से अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो जो पेन है वो जॉइंट की वजह से हो रहा है, वो हमारा कभी भी हर्निएटेड डिस्क की वजह से नहीं है। अगर ये 70 to 80 डिग्री भी आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हैमस्ट्रिंग भी टाइट हो सकता है और पेशेंट के जॉइंट में भी स्टिफनेस हो सकती है, वो उसकी वजह से हो सकता है। अब हमने जब ऑपोजिट लेग को टेस्ट करना है उसको देखिए कैसे करना है। ऑपोजिट लेग को टेस्ट करने के लिए इस तरह से हमने उसी सेम वही प्रोसीजर, मीडियल रोटेट करना है, उसको स्ट्रेट रखना है, एडक्शन में रखना है, एक हाथ नी के ऊपर और दूसरा हील के नीचे। अब इसमें क्या करना है, अब जब हम ये लेग इसलिए टेस्ट करते हैं, जब हम ये लेग उठा रहे हैं तो इस लेग को जब हम उठाएंगे तो भी पेन ऑपोजिट साइड ही आएगा। राइट लेग में उठा रहा हूँ तो भी पेन अगर लेफ्ट साइड पर आ रहा है, इसको वेल लेग साइन बोलते हैं। अगर ये साइन आ रहा है तो समझ लीजिए कि जो हर्निएटेड डिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, इन्फ्लामेशन भी हुई हुई है या इंस्टेबिलिटी भी है पेशेंट को। कई बार ये इंस्टेबिलिटी की वजह से भी ये वेल लेग साइन पॉजिटिव आता है, तो इसलिए हमें वेल लेग साइन टेस्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसकी हमें सिवेरिटी पता लग जाती है। सिक्वेस्ट्रेटेड जो डिस्क होती है वो सबसे हाई डिग्री की डिस्क प्रोलैप्स होता है, तो इसमें ये जो स्टेज 3 or 4 होती है सिक्वेस्ट्रेशन जो होती है, तो इसमें सबसे पहले हमारे वेल लेग साइन आता है। पर जब हमें एक्यूट डिस्क बल्ज होता है तो इन्फ्लामेशन भी हुई होती है, तो इन्फ्लामेशन के टाइम पे भी ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो इसमें ये नहीं मानना कि मेरे को बहुत ज़्यादा सिवियरिटी होगी, थोड़े दिन इसको टेस्ट करते रहिए, धीरे धीरे आपके सिम्टम जब रिलीफ होंगे तो आपका ये टेस्ट भी है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। अब कई लोग क्या कहते हैं, हमें तो कहते हैं कि SLR टेस्ट जब करते करते हैमस्ट्रिंग में हल्का सा टाइटनेस फील होता है, वो टाइटनेस हैमस्ट्रिंग की होती है ना कि आपका सेटिका होता है, तो ये ध्यान ज़रूर रखना है। अब ये टेस्ट आप लोग अपने जो भी आपका फैमिली मेम्बर होते हैं या आप उनसे फ़ोन कंसल्टेशन करते हैं तो ये टेस्ट अगर आप करके हमें बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका कितने डिग्री है। अब डिग्री आपको पता ही है, 10-20 डिग्री, 30-40 ये आप मेजर अपने आप कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगाना होता है कि इतनी डिग्री तक मुझे वो पेन आ गया है। यही हमें बताता है, ये टेस्ट ही बताता है कि इस टाइम जो डिस्क सिम्टम्स हैं वो एक्यूट हैं या क्रॉनिक है। तो इस टेस्ट को ध्यान से देखिए, इसको ज़रूर करिए जब भी आपको कोई बैक पेन या हमारा सेटिका का शक होता है। तो इसी तरह से इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से लोगों को पता लगा, आपके शेयर करने से लोगों को पता लगेगा कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है और उसकी क्या वैल्यू है। और साथ ही साथ हमारा ये जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, इसके नीचे आपको जो नंबर आ रहा है, अब मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए इस नीचे लिखे नंबर पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, उसकी छोटी सी फीस होती है। अब ये टेस्ट करने के बाद ही आप हमें भेजा करिए कि मेरा ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इससे हमें और खुशी होगी। तो छोटी सी फीस को पे करके आप हमसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला बिल्कुल नहीं है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।